हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको एक कोस्टर बताऊंगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, या तो बेडशीट बनाने में या आप इसे टेबल क्लॉथ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोस्टर बनाना। इसके लिए पहले हम चेन लेंगे। चेन लेने के लिए हमें इस तरह वन टाइम टू टाइम करने के बाद इसको खींच लेना है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन मैंने ले ली है। और ये हम सिंगल प्लाई के ऊन को डबल करके बना रहे हैं, और मैंने क्रोशिया यूज़ की है। देखिए, थर्टीन नंबर की एक डबल क्रोकेट के बराबर हमें इसे बनाना है, क्योंकि इस चेन के अंदर हमें टोटल एट पेटल्स बनाने हैं। देखिए, मैं एक पेटल आपको बता रही हूँ। थ्री चेन की एक डबल क्रोकेट हो गई, टू थ्री फोर फाइव, ये हो गए फाइव। और इसके बाद हम इसे देखें इस तरह करेंगे। ये मैंने किया, ये 3D पैटर्न होगा, देखिए इस तरह। और अब हम इसके अंदर दो चेन लेंगे, फिर एक बनाएंगे। इसी तरह हमें टोटल एट बनानी है।
हमने देखिए फोर ये बना दिया और फोर मैंने चेन वाली साइड रखी। अब हम इस पे बनाएंगे, देखिए 1 2 3, 3 चेन बनाया और मैंने इसमें इंसर्ट किया 1 टाइम ये, और उसके बाद यहाँ करेंगे 1 2 3, ये हो गए। फिर हम 1 2 3 इस वाले में इंसर्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर सेम यही चीज़ें बनानी हैं जो 1 2 3 मैंने लिया। ये वो 2 हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव के बाद जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड करेंगे। ये मैंने देखिए 5 डबल क्रोकेट हो गए इंक्लूडिंग चेन। अब हम इसे ऐसे करते हुए देखिए ऐसे स्लिप कर दिया। स्लिप करने के बाद फिर मैं इस पे 3 चेन बनाकर 1 2 3 और इसके अंदर इंसर्ट करूँगी और इसके अंदर देखिए ये पूरा हमें 4 पेटल बनाना है। चार के बाद हमें 3 बनाना है। देखिए 3 बनाने के लिए पहले हम इस वाले में 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6, यहाँ 3 बनाना और इन गैपिंग्स में हमें 3 बनाना है और ये जो अटैचमेंट है यहाँ हमें 6 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोकेट बनाकर इसे अटैच करना। इसी तरह हम पूरा अटैचमेंट कर देंगे 6 इस पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये अटैचमेंट हो गया और
हमने अपना पैटर्न तैयार कर दिया देखें, और अब हम इसे ऐसे करके क्लोज कर दिए। ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। इसे कट कर देंगे। अगर आपको हमारा ये पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।